ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो आपको बता दूं कि अगर हम आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो अभी अभी जाइए ऊपर आई बटन पर, मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, पब्लिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स वो वाले डेटा मेंबर्स होते थे जो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब उसको सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। उस तरह हमारे पास जो पब्लिक मेंबर फंक्शंस होते थे, जो पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं वो क्या हैं, वो क्लास के बाहर भी यूज़ किए जा सकते थे, मतलब क्लास के बाहर अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसे डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो वह डायरेक्टली एक्सेस हो जाते थे। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता क्या है। दरअसल होता क्या हमारे पास कि जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है डेटा मेंबर और एक होता है मेंबर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक डेटा मेंबर तो नहीं है, एक मेंबर फंक्शन है। तो इस मेंबर फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास एज वेल एज आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। होता क्या हमारे पास कि जैसे कि हमने क्लास फंक्शन बनाया, कोई क्लास मेंबर फंक्शन बनाया, हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं बॉडी ऑफ क्लास के अंदर और उसे डिफाइन हम क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। मतलब कि जब भी हमारे पास मेंबर फंक्शन के अंदर कोडिंग लाइंस की संख्या ज़्यादा हो जाती है तब हम क्या करते हैं, उस मेंबर फंक्शन को क्लास की बॉडी के बाहर ही डिफाइन करते हैं और ये प्रेफरेबल भी होता है। अब आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी मेंबर फंक्शन को क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन कर सकते हैं और कैसे इसका हम यूज़ करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स लगा लेता हूँ, आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हैश इंक्लूड कोनी डॉट एच। दो हेडर फाइल्स लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए सम नाम की। मैंने एक सम नाम की क्लास क्रिएट की और इसमें मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट डेटा मेंबर रख लेता हूँ, प्राइवेट इंट ए कोमा बी। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पब्लिकली मेंबर फंक्शन बनाऊँगा और इसका नाम रख दूँगा void add। और ये क्या करेगा, दो इंटीजर वैल्यूज रिसीव करेगा और दो इंटीजर वैल्यूज़ को रिसीव करने के बाद इन वैल्यूज़ को ए और बी के अंदर साइन करवा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, ए के अंदर एक्स को साइन करवा दूँगा और बी के अंदर मैं वाई को साइन करवा दूँगा। उसके बाद क्या करेगा, ये इस दोनों का सम करवा देगा। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे द सम ऑफ टू वैल्यूज इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सम करवा देंगे, यानी कि ए प्लस बी करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एंड ऑफ क्लास स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमारी क्लास की बॉडी का यहाँ पे एंड होता है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सम नाम की एक क्लास बनाई है जिसमें मैंने प्राइवेट डेटा मेंबर्स रखे हैं इंट ए और बी, और पब्लिकली मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया है जो कि एक पब्लिक मेंबर फंक्शन कर, इसलिए इसे हम क्लास के बाहर से सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं कि इस मेंबर फंक्शन को मैंने इनसाइड द बॉडी ऑफ ए क्लास ही डिफाइन किया है। ये मेरी क्या है, डेफिनेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ ए क्लास। और जो भी मेंबर फंक्शन हम क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं उन्हें हम कह देते हैं इनलाइन मेंबर फंक्शंस। फिर से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम मेंबर फंक्शंस को क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं उसे हम इनलाइन मेंबर फंक्शंस कह देते हैं। इसलिए जो हमारे पास ऐड मेंबर फंक्शन, ये हमारे पास हो जाएगा इनलाइन मेंबर फंक्शन। तो अब अगर मैं मेन फंक्शन पे जाऊंगा और मेन फंक्शन पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जब फिर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन पी ए और बी नाम के दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, फिर यूज़र से इनपुट लेता हूँ सी आउट एंटर द टू नंबर्स। और इन दो नंबर्स को मैं क्या करूँगा, ए और बी में स्टोर करवा लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, क्लास सम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हमें क्लास नेम लिखना होता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बना उसका नेम लिखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एस, एस मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं यहाँ पे करूँगा एस डॉट एड, और मैंने एड मेंबर फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें मैं ए और बी एज
पैरामीटर्स पास करूँगा और जो मेरा कंट्रोल है वो इस मेंबर फंक्शन के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये x और y जो है वो arp की वैल्यू रिसीव करेंगे और इस एड मेंबर फंक्शन के लिए, सॉरी इस क्लास सम के लिए जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं a और b, उनको इनिशियलाइज कर देंगे और हमारे पास सम जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। और लास्ट में मैं गेट ch और रिटर्न जीरो लगा दूंगा। तो मैं पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ tut.2.cpp और यहाँ पे मैं इसे सेव कर लूँगा। तो सेव करने के बाद आई थिंक कोई एरर नहीं आएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है ये फॉर एनी रीज़न। तो देखिए ये कंपाइल हो गया, तो किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसे क्या करूँगा, रन कर लूँगा। रन करने के बाद आप देख सकते हैं एंटर द टू नंबर्स, उसमें मुझे इनपुट मांगी, मैंने 2 और 3 एंटर किया और सम जो है वो 5 ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। अब देखिए इसमें मैंने किया क्या है, मैंने इस क्लास सम का जो मेंबर फंक्शन बनाया है, इनलाइन मेंबर फंक्शन बनाया है। मैं चाहूँ तो इस मेंबर फंक्शन को क्लास की बॉडी के बाहर भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो वो कैसे किया जाता है, सिंपली हमें क्या करना है, जैसे कि हम डिक्लेरेशन करते हैं, बट डिक्लेरेशन करना जो है क्लास की बॉडी के अंदर वो ज़रूरी है। आपको डिक्लेरेशन जो है वो क्लास की बॉडी के अंदर करनी ही पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्लेयर कर लूँगा void, इसका नाम मैंने रखा है add, और ये जो मेंबर फंक्शन है कितने आर्गुमेंट्स रिसीव कर रहा है वो मुझे इस पैरामीटर लिस्ट में देने होंगे, क्योंकि ये 2 integer वैल्यूज रिसीव कर रहा है। तो मैं ऐसे यहाँ पे 2 integer लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुआ क्या हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये मेरे पास होगी एंड ऑफ क्लास, ये मेरे पास क्या हो गई है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मेंबर फंक्शन को सिंपल डिक्लेयर किया यहाँ पे। अब मैं इस मेंबर फंक्शन को क्लास की बॉडी के आउटसाइड डिफाइन करूँगा यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो मैं आपको बता दूँ कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करने का सिंटेक्स क्या होता है। देखिए जब भी हमें किसी मेंबर फंक्शन को क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन करना होता है तभी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से ही हम किसी मेंबर फंक्शन को क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो रिटर्न टाइप मैं लिखूंगा यहाँ पे void। रिटर्न टाइप लिखने के बाद क्लास नेम लिखा जाता है और क्लास नेम लिखने के बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास 2 colons होते हैं। उसके बाद हम जिस भी मेंबर फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, यानी कि मेंबर फंक्शन नेम लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरामीटर लिस्ट लिख देंगे। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी बॉडी बना सकते हैं, जिसमें आप बॉडी हो जाएगी हमारे पास मेंबर फंक्शन की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरे पास क्या है, फंक्शन है, जो मेरे पास क्लास का मेंबर फंक्शन है, मैंने इसे इनसाइड द बॉडी ऑफ ए क्लास सिर्फ डिक्लेयर किया है। अगर मैं इसे क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप लिखूंगा। तो रिटर्न टाइप मेरे पास इसका void है, तो void लिखूंगा मैं यहाँ पे। void लिखने के बाद ये किस क्लास के साथ बिलोंग करता है, तो ये सम क्लास के साथ बिलोंग करता है, इसके लिए मैं सम लिखूंगा। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, हमारे पास 2 colons लगाने होते हैं और उसके बाद हमें लिखना होता है अपने मेंबर फंक्शन का नाम जो कि ऐड है। उसको लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये 2 parameters रिसीव कर रहा है, x और इन y, और इनको रिसीव करने के बाद ये क्या कर रहा है, सिंपली क्या कर रहा है, a के अंदर x को साइन कर रहा है, b के अंदर y को साइन कर रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, द सम ऑफ 2 numbers इज, यहाँ पे थोड़ी स्पेस प्रिंट कराने के बाद a प्लस b कर दूंगा और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रन भी कर जाएगा। देखिए तो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या किया, जो मेरे पास इस क्लास का मेंबर फंक्शन है मैंने उसे क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन किया यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या करना था, रिटर्न टाइप लिखना था अपने मेंबर फंक्शन का, उसके बाद ये मेंबर फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास का नाम लिखना होता है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होता है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने के बाद हमें लिखना था अपने मेंबर फंक्शन का नाम, तो मेंबर फंक्शन का नाम यहाँ पे ऐड था तो मैंने लिख दिया। और उसके बाद एक ऑर्डिनरी फंक्शन की तरह इसकी डेफिनेशन लिखनी है। याद रखिएगा कि आपको मेंबर फंक्शन लिखने का नाम लिखने से पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने के बाद कंपाइलर को ये बताना होता है कि ये जो मेंबर फंक्शन है ये किसी क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये कोई ऑर्डिनरी मेंबर फंक्शन नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आएगा कि स्कोप रेजोल्यूशन किस तरीके से यूज़ किया जाता है।
और इसका क्या क्या वर्क होता है हमारे सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कैसे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास बॉडी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये जो कोड है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे ले सकते हैं, इससे मतलब आप सेव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर भी आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, और पुरानी वीडियो का जो लिंक है वो मैंने आई बटन के ऊपर देख रखा है। तो आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।